बाइपोलर पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी खुद भी अंतर विरोधों से जूझ रही है। सत्ता बहुत बहुत लंबे समय तक जो सत्ता में रह ली है उनको अब महात्मा गांधी की पार्टी का सदस्य होने के नाते नए लोगों के लिए रास्ता खोलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत में इस समय जो गहमा गहमी का जो माहौल है, उठा पटक का जो दौर है, चर्चाओं का दौर है और तमाम तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। केवल बात राजस्थान या यूं कहें कि जयपुर तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये पूरा जो सियासी मसला है, जाहिर सी बात है आप सभी जानते हैं इस चीज को, कि दिल्ली तलक तक भी इसकी गूंज है। जिस तरीके से राजस्थान के लीडर्स का दिल्ली दौरा, सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली और आज गहलोत का दिल्ली दौरा, तमाम जो माहौल चल रहा है और पिछले दिनों यानी दो दिन पहले रविवार की रात को राजधानी जयपुर में जो पूरा सियासी मंजर नजर आया, सबकी नजरें उस मंजर पर टिक चुकी थी। अब कहानी ये कि कौन ऊपर चढ़ा, कौन नीचे गिरा, किसके नंबर बढ़े, किसके नंबर कट गए और राजस्थान की सियासी जो तस्वीर है, सियासी जो परिदृश्य है, वो वाकई असल में इस समय क्या कहानी कहता है, चर्चा होगी, इसी मुद्दे पर होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी के पूर्व सचिव, सुशील आसोपा जी। आसोपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, एक लंबा तजुर्बा रहा आपको पॉलिटिकल का और पीसीसी चीफ के नाते, पीसीसी सेक्रेटरी के नाते भी आपका काफी तजुर्बा रहा, राजस्थान की राजनीति भी आपने देखी। इस समय जो माहौल बना हुआ है, जो तस्वीरें हो रही हैं, आखिर किस तरीके से देखा जाए और किस तरीके से इन्हें लिया जाए? देखिए, ये अभी इसको मैं कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के नजरिए से आपके सामने रखना चाहूंगा। जी, मैं पीसीसी का सेक्रेटरी भी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ हूँ। लंबे समय तक मैं सोशल मीडिया में काम किया है, तो आम कार्यकर्ता जो है वो इसमें स्टेबिलिटी चाहता है, स्थायित्व चाहता है। और स्थायित्व का उसका जो सोच है, उसकी इच्छा है, क्योंकि कोई चुनिंदा नेता ही तो कांग्रेस है नहीं। जी। चुनिंदा मंत्री या विधायक ही कांग्रेस नहीं है। उनको विधायक या मंत्री बनाने वाला जो कैडर है, वो जो समूह है, वो लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी है और करोड़ों जनता का है। तो वो कार्यकर्ता अपने आप में एक उनके अंदर उदासी है और वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो नए सिरे से इस आकांक्षा के साथ सामने परिणाम देखना चाहते हैं कि 2023 में हमारी सरकार रिपीट हो, ये उनकी भावना है। और उसी दृष्टिकोण से कांग्रेस में चीज़ों को होते हुए देखना चाहते हैं। तो अभी ये जो तीन दिन पहले, चार दिन पहले जो पूरा माहौल बना, उसको देखते हुए अगर प्रेजेंट हालातों को हम देखें, जो भाग दौड़, अटकलों का बाजार और तमाम तरह के बयानबाजियां, सारी जो चीजें आ रही हैं, इन्हें देखते हुए क्या लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस इस समय किस पायदान पर है? इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था ही, लेकिन वो एक तात्कालिक जो चीज हुई उसका गहरा असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर नहीं पड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता, पड़ा ही होगा। और आम जनता जिस रूप में उसको देख रही है, उसका भी कोई ना कोई असर कहीं पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ अभी चुनाव में 1.5 साल है और चीज़ें ठीक तरीके से अगर सेटल डाउन हो जाती हैं और फिर एक नए सिरे से सब एकजुट होकर के और आगे बढ़ते हैं कि भी मिशन 23 के अनुसार ही काम करना है, तो मैं नहीं समझता कि सरकार वापस लाने की जो इच्छा सभी की होगी ही, ऐसा मैं नहीं मानता कि सरकार लाने की इच्छा नहीं होगी, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती है और गाड़ी आगे अच्छे तरीके से चल सकती है। तो यानी इसके लिए भी कवायद करना तो ज़रूरी है, अगर गाड़ी आपको आगे चलानी है तो? निश्चित रूप से किसी भी पार्टी हो, छोटे से छोटा सरपंच का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, एकजुटता तो उस समूह, जो समूह जनता के समक्ष जाकर के और अपनी बात कहना चाहता है और अपनी जीत हासिल करना चाहता है, उसको एकता तो दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ दिक्कत वही है ना, सवाल इसीलिए पब्लिक के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच उठते हैं कि जो पूरा माहौल बना,
तो क्या ये यूनिटी की एक मिसाल थी? जिस तरीके से जो चीजें आई आपको पब्लिक डोमेन में हैं, जी जी, कि वो शो कॉज नोटिस भी सब हो रहे हैं जी, और कांग्रेस का जो हाईकमान है, कांग्रेस अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने सब चीजों को गंभीरता से लिया है, वो ऐसे मौके पर नहीं होती तो बेहतर होता, लेकिन हो गई तो उसका डैमेज कंट्रोल होगा। तो क्या लगता है कि पब्लिक की सोच और जो विपक्षी दल या विपक्षी नेता जो होते हैं, उन लोगों की सोच क्या होगी और क्या उनकी प्लानिंग हो सकती है ताकि कांग्रेस और वापस एक बार बेहतर दिशा में जा सके? देखिए, विपक्ष तो राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दो ही आमने सामने हैं, और ये बाइपोलर पॉलिटिक्स है राजस्थान की आज की तारीख जी, आगे क्या होगा मैं कह नहीं सकता। तो बाइपोलर पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी खुद भी अंतर विरोधों से जूझ रही है, और कांग्रेस में भी जो आप देख रहे हैं वो किसी भी रूप में, जो आप उसको जो संज्ञा देना चाहें जी, जी, वो दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर जब आरोप लगता है कि अंतर विरोध है, तो वो कांग्रेस को भी कहते हैं कि आपके यहाँ कौन सा अंतर विरोध नहीं है, तो वो एक इक्वलाइज हो जाती है चीज़, पर जनता उसको किस रूप में लेती है उसका तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। क्या ऐसा लगता है कि ये जो दो तीन दिन पहले का जो पूरा रविवार का जो एपिसोड हुआ, इसमें कहीं सोचने समझने में या किसी चीज को ठीक करने में कहीं बीच में कोई संशय वाली कोई स्थिति बनी या हुआ क्यों, वजह क्या रही, क्या मानते हैं, क्या हो सकता है? अब वजह तो पब्लिक डोमेन में सभी लोग अपने अपने तरीके की बात कह रहे हैं जी, और जो मैं ऐसा समझता हूँ, जो बातें कही जा रही है उनको हूबहू या मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है जी, जी। जो कही जा रही है वो निरर्थक इसलिए मानता हूँ मैं जी, कि अगर तो आप ये कह दीजिए कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट को कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं मानते, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जब कोई निर्णय किसी भी इशू पे जो कभी भी हुआ हो जी, आज हुआ हो, आज से 4 साल पहले सरकार बनी हो तब हुआ हो, या उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ हो तब हुआ हो, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो निर्णय ले लिया उसको जब सबने स्वीकार कर लिया, तो उस बात को बार बार गाने का मतलब ये हुआ कि आप बायस्ड हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप किसी के प्रति आपके मन में मलिनता है या आपके मन में नफरत का भाव है, उसको जनता तो पसंद करती नहीं है। तो समस्या वही आती है जो चीज़ आप बता रहे हैं कि जब ये इस तरीके के भाव जब सरकार के नुमाइंदों के बीच में होते हैं, मंत्रियों के, विधायकों के बीच में, लीडर्स के बीच में होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर ग्रुप वाली जो चीज़ें वो हम कोई भी चाहे कितना इनकार कर ले, लेकिन झलकती तो है, दिखती तो है, आप उसको फिर इनकार भी नहीं कर सकते कि जो खेमेबाजी वाले जो शब्द अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये खेमेबाजी राजस्थान की राजनीति के साथ क्या हुआ, खास तौर से कांग्रेस की राजनीति के साथ जी, मैं बीजेपी भी कहूंगा जी, कि जैसे बीजेपी में वसुंधरा राजे जी 2002 से यानी 20 साल से राजनीति के पटल पर हैं जी, अब उनको बहुत भारी इनसिक्योरिटी इस बात की कि जो नए नेता आ रहे हैं XYZ ABC कई सारे नाम हैं जी जी, तो उनसे उनको इनसिक्योरिटी। राजस्थान में भी बहुत सारे नेता बहुत सालों से हैं, हारते भी आए हैं, जीतते भी आए हैं, ठीक है, पर वर्तमान दौर में जो एक युवा नेता है जिसने अपने आप को एक एस्टेब्लिश किया इस सिचुएशन में कांग्रेस में कांग्रेस की बात, बीजेपी की तो बात हो ही गई जी, तो वो सचिन पायलट हैं जी। अब सचिन पायलट का जो सबसे बड़ा गुण है या ईश्वर प्रदत्त है या उनके अंदर वो जेनरिकली है या उन्होंने खुद भी अपनी मेहनत से वो विकसित की है जी, जेनरिकल होने के बावजूद भी अपने आप को उसके लिए तैयार करना आदमी की अपनी गुण होता है जी, तो उन्होंने वाणी, धैर्य, संयम, मेहनत, कर्मशीलता, एक्टिव रहना, लोगों से मेल जोल, उन सब के आधार पे और उनका एक व्यक्तित्व का जो आकर्षण और उनकी बोली का मिठास और मुद्दों को बहुत तरीके से सरल भाषा में लोगों के सामने रखना, उन सब का मिला करके वो राजस्थान के इतिहास में एक लंबे समय से मास लीडर का जो वैक्यूम था वो उन्होंने पूरा किया, भर दिया जी। अब वो
कांग्रेस में ही हो सकता है कुछ लोगों को चुभता हो, ये भी हो सकता है, मैं नहीं क्लेम करता क्योंकि मैं तो किसी के मुंह से तो सुनी बात है नहीं जी। पर कांग्रेस का जो कैडर है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वो इस बात को से गौरवान्वित महसूस करता है और खुशी महसूस करता है कि हमारी पार्टी में भी कोई ऐसा नेता है जो भाजपा के बड़े नेताओं के समान लोकप्रिय है। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट जी जैसी लोकप्रियता किसी भी नेता की नहीं है, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो अब क्या कहानी लगती है, अगर टोटल हम क्लाइमेक्स इसको माने तो आपका अनुभव क्या कहता है? ये मैं अनुभव क्या होगा ये कहने के बजाय मेरी विशफुल थिंकिंग में कह सकता हूँ आपसे, क्योंकि विशफुल थिंकिंग ही कन्वर्ट होती है। मेरी विशफुल थिंकिंग यही है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी पूरे देश की एक तरह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो लाखों लोग रात के टाइम उनके साथ पैदल चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मैं पहले भी आपके यहाँ कह चुका हूँ कि जिन्होंने बहुत साल सत्ता का एक आनंद की फीलिंग होती होगी, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं तो कार्य करता हूँ और काम ही करते रहना चाहता हूँ, वो कैसी फीलिंग होती है वो एंजॉय करते होंगे जो लोग सत्ता में हैं या सत्ता में रहना चाहते हैं। तो वो सत्ता बहुत बहुत लंबे समय तक जो सत्ता में रह ली है, उनको अब महात्मा गांधी की पार्टी का सदस्य होने के नाते नए लोगों के लिए रास्ता खोलना चाहिए, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अंततोगत्वा वो इस बात को इस रूप में सेटल डाउन करने में सफल हो जाएगा कि भाई ये नहीं चलेगा कि किसने कब क्या किया, हमने जब जिस चीज़ का फैसला कर दिया तो सब एक हो गए, दूध के दो गिलास थे जी, और आपने दोनों गिलासों को एक करके और दूध उबाल दिया, अब आप उस दूध में से कैसे अलग करोगे कि ये दूध तो वो, मैं तो ये वाला दूध पीऊंगा, इधर वाला दूध नहीं पीऊंगा, इट कांट बी डन जी। दिव्या मदेना ने कहा है ना कल, क्या कहा है, और मैं भी उसी सोच का हूं जी, कि ऊपर भगवान, निजी जिंदगी में ऊपर भगवान माता पिता, लेकिन आप राजनीतिक क्षेत्र में हो तो आपकी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है नेशनल, अगर आप नेशनल पार्टी के हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भगवान है राजनीतिक दल में। और मेरी जो एक आउट ऑफ दिस ऑल डिस्कशन एक निजी सोच है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, भाजपा का कार्यकर्ता हो, सपा का कार्यकर्ता हो, बसपा का हो, किसी का भी हो जी। भारत के संदर्भ में हम जब आजाद हुआ था उस समय लगभग 30% आबादी तो फ्यूडल स्टेट थी, राजवाड़े थे, बाकी पे सैकड़ों साल अंग्रेजों ने राज किया। तो मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये है कि आज के लोकतंत्र में भी हर पार्टी में एक नरेंद्र मोदी होना जरूरी है, उसका कहा सब मानेंगे आज के संदर्भ में भी। अगर बीजेपी में वही होता है जो नरेंद्र मोदी कहते हैं तो ही बीजेपी चल रही है। बिल्कुल। कांग्रेस में भी जो नरेंद्र मोदी है यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष वो जो कहेंगी या आला कमान, यहाँ थोड़ा सा भेद हो सकता है इसलिए कि पॉपुलर लीडर कौन है कांग्रेस के, वो जो संघर्ष कर रहे हैं, और अध्यक्ष जैसे अभी नड्डा जी हैं बीजेपी में, वो नरेंद्र मोदी तो नहीं कहलाए जा सकते, लीडर तो नरेंद्र मोदी है। ऐसे ही कांग्रेस में लीडर तो गांधी फैमिली है ही है, मान के चलिए, तो गांधी फैमिली जो कहेगी वो तो आपको करना ही होगा, नहीं करते हो तो आप बिखर जाओगे। वो मोदी का कहना वो मान रहे हैं तो एक है, अखिलेश का कहना वो मान रहे हैं, मुलायम सिंह ने सत्ता, यानी आपका कहना है कि कांग्रेस में जो अभी बिखराव के हालात जो हैं, यहाँ एकजुट होना बेहद जरूरी, गांधी परिवार के झंडे के नीचे आपको होना पड़ेगा अगर मोदी से मुकाबला करना है तो। आप जगन रेड्डी उसकी पार्टी का राजा है, वो ममता बनर्जी कहती है वो टीएमसी में होता है, ये करना पड़ेगा। आप इसको भारतीय लोकतंत्र में भी पार्टियों को उस तरह के लोकतंत्र के तरीके से नहीं चला सकते जो आप ब्रिटेन में हो रहा है। ब्रिटेन में तो प्रधानमंत्री का चुनाव अभी पार्टी के सारे लोगों ने वोट दिया, 9 लोग खड़े हुए थे, कटते गए, 2 रह गए, फिर उन दोनों में से एक के हिस्से में 81,000 वोट आए, एक के हिस्से में 67,000 वोट आए, और वो 81, वो कौन थे, उस पार्टी के सारे प्रतिनिधि थे, सांसद नहीं थे, गौर करिएगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो इनकी
पार्टी जी जो है, जो ऋषि सुनक और हमारे जो जी वो एमपीज ने वोट नहीं दिया, जो यहाँ कहा जा रहा है कि भी एमएलएज, एमएलएज 4 साल के बाद एमएलएज की कोई ओपिनियन का महत्व ही नहीं है। आपको 1 साल बाद चुनाव में जाना है, आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर सोच रहा है कि भाई ये सरकार रिपीट करने के लिए हमको ए बी सी डी ये कदम उठाने पड़ेंगे तो उठाएगी, वो पट्टा थोड़ी लिख देती है पहले दिन किसी को सीएम बनाती है। जो चीज आप कह रहे हैं उसी के खिलाफ शायद राजस्थान में हुई और उसके बाद ये पूरी तस्वीर बनी जिस पर आज चर्चा ये हो रही है। निश्चित रूप से तो कहना मानना पड़ेगा आलाकमान का। तो जाहिर सी बात है कि कहानी अब सीधी सी यही कि जैसा कि आसोपा जी को कहना है कि आसोपा जी का कि यूथ को भी आगे आना चाहिए, नए लोगों को भी मौका देना चाहिए, और जिस तरीके से हर पार्टी का एक सुप्रीमो होता है उसी तरीके से जो कांग्रेस की सुप्रीमो है, जाहिर सी बात है कि जो वो चाहे, जो उनका आदेश हो या जो पार्टी की गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी तमाम जो चीजें हैं उनमें अगर आप डिस्टर्बेंस करेंगे, आप खिलाफत करेंगे तो कहानी कुछ राजस्थान में जो तैयार हुई कुछ कुछ वैसी होगी। और जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ने के लिए जहां एकजुटता जरूरी है, यहां पर जो वर्तमान जो हालात बने हुए हैं, जो बिखराव के जो हालात बने हुए हैं, उसी की वजह से तमाम सियासी कहानियां इस समय चल रही है। बहरहाल आज के लिए इतना ही फिलहाल, और आपको फिर मिलाएंगे एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल आसोपा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।